मुझे शर्म आती है उन लोगों पर जो सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं। आप नहीं जान सकते, आपको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि सिंध हुकूमत कराची की सड़कों के लिए कितना काम कर रही है। हरा रंग होता है वो हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होता है। तो जनाब ये भी सिंध हुकूमत की ये बड़ी हमारे लिए एक बड़ा तोहफा है सिंध हुकूमत का कि उसने हमारे लिए ये काली काली हरी हरी काई छोड़ दी है। इस सर अपने दिल पे हाथ रखिए, गाड़ी यहां से गुजारेंगे। इनकी पूरी गाड़ी हिल गई है, जगमगा गई है, डब हो गई है, अंकल की गाड़ी बंद हो गई है यहाँ पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल बस के साथ मैं हूँ फराजुद्दीन। मुझे शर्म आती है उन लोगों पर जो सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं। आप नहीं जान सकते, आपको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि सिंध हुकूमत कराची के लिए, कराची वालों के लिए, कराची की सड़कों के लिए कितना काम कर रही है। जो खूबसूरती कराची में मौजूद है वो आपकी आंखें नहीं देख सकती। इसलिए आज हमने ये फैसला किया है कि आज हम आपको कराची की असल हकीकत दिखाएंगे। आज हम आपको कराची की वो खूबसूरती दिखाएंगे जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। जनाब इस वक्त मैं मेन काला बोर्ड के स्टॉप पर मौजूद हूँ और मैं आपको पहली खूबसूरती दिखाऊंगा काला बोर्ड की, तो फिर आइए मेरे साथ। वेल जनाब, तो कराची वालों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पहली खूबसूरती और ये है काला बोर्ड की पहली खूबसूरती। आप देख सकते हैं कि बाहर ममालिक के अंदर 3D खड्डे दिखाए जाते हैं मगर यहाँ पर बाजारी तौर पर ऐसे खड्डे बनाए गए कि लोग गाड़ियां आहिस्ता चलाएं, गाड़ी स्लो चलाएं। आप देखते हैं कराची के अंदर तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाई जाती हैं, तो सिंध हुकूमत की तरफ से बड़ा मुस्बत पैगाम है, बड़ा मुस्बत स्टेप है ताकि लोग धीरे धीरे गाड़ी चलाएं। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि आपको बाखूबी इस बात का इल्म होगा कि जो हरा रंग होता है वो हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तो जनाब ये भी सिंध हुकूमत की ये बड़ी हमारे लिए एक बड़ा तोहफा है सिंध हुकूमत का कि उसने हमारे लिए ये काली काली हरी हरी काई छोड़ दी है। जनाब जब आप हरा कलर देखते हैं तो आपके दिमाग को, आपकी आंखों को सुकून मिलता है, आप जहनी तौर पर फ्रेश हो जाते हैं। तो ये बड़ा एक तोहफा है सिंध हुकूमत के लिए। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ सिंध हुकूमत। और आप देखते हैं कराची के अंदर आपको हरियाली नहीं मिलेगी मगर इस जगह पर खास मलिर 15 वालों के लिए, काला बोर्ड वालों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से और मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। तो ये है कराची की पहली खूबसूरती, यहाँ की ये हरी हरी ताज़ा ताज़ा खुशबू वाली हरियाली और उस तरफ वो खड्डा। आप चेक करें माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या खड्डा है। आप चेक करें पूरी बस जो है अपनी जगह से डगमगा गई है, हिल गई है और ये भी बड़ा एहसान है सिंध हुकूमत का कराची वालों के लिए। यार आप चेक तो करें, आप खड्डे की गहराई चेक करें कि बाइक यहाँ पर आएगी और बाइक ऐसे स्लिप होगी, ऐसा रक्षा स्लिप होगा कि धर्म से सड़क पर जाके गिर जाएगा। अगर कोई खातून अपने बेटे के साथ, अपने शौहर के साथ आ रही है और अल्लाह ना करे अगर उनका टायर यहाँ पर फंसता है, स्लिप होता है, तो ऐसा गिरेंगी, ऐसी उनकी उनको नानी याद आएगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर मैं आपको उस तरफ के मनाजिर दिखाऊँ तो इस तरफ आप चेक करें, ये भी मलिर हॉल का मेन रोड है, मेन यू टर्न है और उसी के साथ आप चेक करें, ये बड़ी मेहरबानी है सिंध हुकूमत की। अच्छा ये खड्डे ऐसे नहीं है, कराची में लोग गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलाते हैं, बहुत तेज़ चलाते हैं, अंदर तुन गाड़ियाँ चलाते हैं, तो इस वजह से ये खड्डे छोड़ दिए गए। इंजन्स आपके काम नहीं करते, कराची की जंप्स रवा नहीं है ताकि आपकी जंप आगे पीछे हो, हिले झूले, तो इस वजह से जनाब ये काम किया गया है। आपको दूसरी खूबसूरती दिखाते आइए मेरे साथ। आप चेक करें क्या जबरदस्त काला चॉकलेटी पानी यहाँ पर जमा है और आप देखिए किस तरह गाड़ी आ रही है, उड़ा दी छीटे, पूरी छीटे उड़ा दी इन भाई ने। और ट्रक को आप चेक करें, कचरे से लदा हुआ ट्रक जगमगा रहा है, डांस करता हुआ आ रहा है, गाड़ी आपकी रवा हो रही है, इंजन आपका रवा हो रहा है। और आप चेक करें फैमिली यहाँ से जा रही है, इनकी पूरी गाड़ी डगमगा रही है, गाड़ियों का सत्यानाश बिल्कुल नहीं हो रहा है, भले बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, बड़े बड़े ट्रक हो, किसी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, हर बंदा तरीके से गाड़ी चला रहा है। वो देखे फैमिली जा रही है, आंटी के बुरखे पर, आंटी के कपड़ों पर छींटे आ रही है गंदे पानी की, ये और कौन कौन से तुम इल्ज़ाम लगाओगे सिंध हुकूमत पे। यार सिंध हुकूमत तुम्हारे लिए शानदार काम कर रही है। अब चेक करें गटर का पानी है वहां से, अच्छा ये खड्डे यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहे, ये खड्डे मलिर हॉल से लेके, मैं आपको ब्रिज दिखाऊं, जरा ब्रिज दिखाएं, ये पुल है मलिर हॉल का, वहां से ये गंदगी स्टार्ट होती है, ये पहला खड्डा
ये पहला खड्डा देखा, ये पहला खड्डा ही यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरा सीधा आपका जो है सऊदाबाद तक जा रहा है यार। और क्या करे सिंध हुकूमत तुम्हारे लिए, तुम लोग गाड़ियां स्लो नहीं चलाते, तुम लोग गाड़ियां हल्की नहीं चलाते, एम्बुलेंस हॉस्पिटल टाइम पर पहुंचती है यार, मरीज एम्बुलेंस के अंदर होता है। आधे घंटे का रास्ता यार, आधे घंटे का रास्ता सिर्फ 3 घंटे में हल हो जाता है यार, लोग तय कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कराची की चौथी खूबसूरती, तो फिर आइए मेरे साथ। वेल जनाब, तो आज आप लोग मुझे दुआएं दे रहे होंगे, आपका खुशी से खून भर गया होगा, क्योंकि मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कराची की एक खूबसूरत मनाजिर, कराची की खूबसूरतियाँ। और जनाब इस वक्त हम मेन गुलशन पर मौजूद हैं, और गुलशन चौरंगी का जो मेन पुल है वो हमारे सामने है। और आप चेक करें क्या शानदार मोटे मोटे बड़े बड़े ताज़े ताज़े गबरू गबरू खड्डे यहाँ पर मौजूद हैं। और आप चेक करें कि किस तरह गाड़ी आ रही है, खड्डों में जा रही है, बाइकें जा रही हैं, और गाड़ियों की जो हालत है कराची के अंदर बड़ी शानदार है। लोगों के दिलों से दुआएं निकल रही हैं यार हुकूमत के लिए, लोग दुआएं दे रहे हैं, लोग फूले नहीं समा रहे कि हम हुकूमत का किस तरह शुक्रिया अदा करें, किस तरह वो ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। और अब यकीन करें गाड़ियां आ रही हैं, पुल से आ रही हैं, और शपाटर बन के जा रही हैं, स्पीड में तेज रफ्तार से गाड़ियां यहां पे गुजर रही हैं, किसी किस्म की लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है। और आप चेक करें ये एक रक्षा खाली जा रहा है, उसकी पीछे जो रक्षा है उसमें 3 सवारियां बैठी हुई हैं, 3 खातून बैठी हुई हैं, रक्षा बिल्कुल भी नहीं डगमगाएगा, बिल्कुल रक्षे वाले ने आराम से निकाल लिया है। और ये मैं आपको चेक कर रहा हूँ, आप जरा चेक करें इधर आइए, ये खड्डा ये चिंची आ गई है, चिंची पूरी हिल गई है, चिंची पूरी डगमगाई है, गाड़ी नहीं आ रही है भाई, गाड़ी ऊपर नहीं आ रही है, अंकल ने पूरा जोर लगा दिया इंजन का मगर गाड़ी नहीं आ रही है। और आप खड्डे की गहराई तो चेक करें यार, तकरीबन एक बालिश का खड्डा है यार, और क्या चाहिए आपको कराची वालों, और क्या चाहिए। अब मैं आपको अगली खूबसूरती दिखाता हूँ, तो फिर आइए मेरे साथ जनाब। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कराची की अगली खूबसूरती, और ये रही गुलबर्ग की खूबसूरती। आप देख सकते हैं के शानदार खड्डे, मोटे खड्डे, जबरदस्त खड्डे, और बस जो है पूरी इधर उधर हो रही है, और पानी छपड़ छपड़ करके खड्डों से बाहर निकल रहा है, उछल कर निकल रहा है। लोग बोलते हैं क्या है कराची में, कराची में कोई ब्यूटी नहीं है, कराची में खूबसूरती नहीं है। ये रही कराची की खूबसूरती, आप देख सकते हैं चचा अंकल लेडीज जा रही है, ऊपर डंडे रखे हुए, किसी भी वक्त डंडे गिर सकते हैं। ये है गुलबर्ग की खूबसूरती। और जनाब गुलबर्ग की अगली खूबसूरती चेक करें, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये आने वाला रोड है और ये जाने वाला रोड है, इधर की भी हालत आपके सामने है, और देख सकते हैं गाड़ियां किस तरीके से आ रही हैं। अच्छा, गाड़ियों के टायर, गाड़ियों की जंपे, गाड़ियों का स्टेयरिंग, गाड़ियों की ट्यूब्स, गाड़ियों का रिम जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। और ई कॉमर्स लाइक अगर हम माशियात की बात करें तो इस वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं, गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, अंकल दो का इशारा करते हुए जा रहे हैं, अंकल बोल रहे कोई पुरसाने हाल नहीं है कराची वालों का, अंकल ने ऐसे करके इशारा किया है। और इस तरह हमारे मुल्क की माशियात भी बढ़ रही है, जब गाड़ियों के रिम खराब होंगे, इंजन खराब होंगे, गाड़ियों की ट्यूब फटेगी, गाड़ियों की तीलियां खराब होंगी, तो मुल्क में कारोबार बनेगा, लोग खरीदने के लिए आएंगे, और जबरदस्त तरीके से लाइक आपके मुल्क में कारोबार बढ़ेगा। ये है गुलबर्ग की खूबसूरती, ये है एक कराची की खूबसूरती। और लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं, लोग कहते हैं यार हमारे मुल्क पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं दिया, कराची ने हमें कुछ नहीं दिया। यार ये आप चेक तो करें, ये दिया है हमारे कराची ने हमें, शानदार रोड से कराची के, शानदार सड़कें कराचियों की, और यही तो चीज़ आपके शहर को नुमाया कर रही है, यही तो चीज़ आपके शहर को मुख्तलिफ बना रही है। और ये अंकल हमारे पास आए बात करने के लिए, बड़े गुस्से में लग रहे हैं, जरा अंकल से बात करते हैं। अंकल लोग बिला वजह कराची को तनकीद का निशाना बनाते हैं, कराची ने कुछ नहीं दिया, क्या खूबसूरती हमारे कराची की, बहुत बुरा हाल है, अल्लाह पाक रहम करे इस कौम पे भी और हम पे भी भाई। कहाँ से आ रहे हैं आप, कहाँ से आ रहे हैं? शहर तबाह हुआ हुआ है, बात ये है हमने वो काम सब छोड़ दिए सिवाय इल्जाम तराशी के कि हम एक दूसरे पे डाल के उस काम को नहीं करना चाहते। अगर ये काम, जैसे मैं कोई काम करना चाहता हूँ वो काम अगर कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा, और नहीं करना चाहता तो सिवाय इल्जाम तराशी के उस काम को वो होगा नहीं। ये जिंदगी भर ये बच्चे हमारे गिर रहे हैं गटरों के अंदर, वो जान है भाई, यहाँ जवाब नहीं तो अल्लाह के हाथ में जवाब देना पड़ेगा। इस बात को समझ लो कि आपको भी मरना है हमें भी मरना है, हम किसी को इल्जाम नहीं दे रहे, मगर जिसका जो काम है वो काम करे, ये बात मेरी से ज्यादा मैं क्या कहूँ। जो कराची की हालत हमारे सामने, इसका जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है इसका? बात ये है कि मैं अगर घर का जो अगर सरबराह हूँ तो उसकी जिम्मेदारी मेरे घर की है ना, तो हमारे सरबराहों की जो बनती है ये जिम्मेदारी,
भी किसी और की नहीं बनती, अमेरिका को बोलूं। वह जनाब तो ये रही कराची की एक और शानदार खूबसूरती, और इस वक्त हम लोग लियाकताबाद डाक खाने पर मौजूद है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर सिर्फ खट्टे नहीं है, यहाँ पर सिर्फ घेरे घेरे खट्टे नहीं है, बल्कि यहाँ पर गटर का और कीचड़ वाला पानी भी है। अगर मैं आपको अपने जूते दिखाऊं तो बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आप चेक करें गाड़ियाँ यहाँ पर किस तरीके से आ रही है, पूरा जनाब गाड़ियों का जो यहाँ पे पूरा टायर डूब रहा है। बड़ी एहतियात से गाड़ियों को ऐसे निकाला जा रहा है और बड़े तरीके से गाड़ियों को निकाले लेके जा रहे हैं, पूरा टायर डूब रहा है। ये है कराची वालों के लिए तोहफा, ये है कराची की खूबसूरती। लोग पता नहीं क्यों तनकीद का निशाना बनाते हैं यार कि सिंध हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। यही तो सिंध हुकूमत का तोहफा है। ये चेक करें आप, बकायदे तौर पर गंदे पानी का स्विमिंग पूल बना हुआ है। और यहाँ पर आप चेक करें, ये लियाकताबाद की मेन मार्केट, जहाँ पे काफी लोग हजारों की तादाद में आते हैं। बड़ा कारोबार है, बड़े कारोबार हो रहे हैं। गाड़ियां पूरी डूब रही है, फचड़ करके छपड़ करके पानी उछल रहे हैं। खवातीन को मुश्किलात का सामना हो रहा है, बुरखों पर लोगों के कपड़ों पर गंदे पानी की छींटे जा रही हैं और बड़ी दिक्कत का सामना है। मगर क्या है, ये सारी चीजें क्यों है भाई? ये सारी चीजें इसलिए, लोग तरीके से गाड़ियां नहीं चलाते कराची के अंदर। लोग बड़ी गंदे तरीके से गाड़ियां चलाते हैं, तो ट्रैफिक कम हो, लोग सुकून से गाड़ियां चलाएं, तरीके से गाड़ियां चलाएं। इस वजह से जो है जनाब, ये चीज़ें यहाँ पे छोड़ी हुई हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद है, और वो कुछ कहना चाह रहे हैं, तो ज़रा इनसे बात करेंगे। आप इस तरफ आइए। और ये भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। यार ये लियाकताबाद डाक खाने पे आप क्या करते हो यहाँ पे? मैं मकीनी का काम करता हूँ, सामने दुकान है मेरी। और अच्छा एक सेकंड भाई, जरा आप चेक कर सकते हैं लियाकताबाद डाक खाने पर, ये लाइन से यहाँ पर दुकानें बनी हुई है। और आप चेक करें किस तरह काम हो रहा है, लोग किस तरह अपना कारोबार संभाले हुए हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। रक्षा वाले हाथ हिला कर जवाब दे रहे भाई, यार क्या क्या बोलेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाड़ियों को तो आप छोड़ें, पब्लिक के पैदल जाने की भी जगह नहीं है यहाँ पे, इतना पानी भरा हुआ है और इतना गड्ढे हो गए हैं। कारोबार में कोई फर्क पड़ा है? कारोबार में तो इतना फर्क पड़ा है कि हम गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं है हमारे पास। तो किस तरह फिर आप लोगों की गाड़ियाँ किस तरह सही कर रहे हैं? कीचड़ में गाड़ी खड़ी करके सही काम कर रहे हैं क्या? गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो कीचड़ भी हमारे ऊपर आ रहा है, इस तरीके से कर रहे हैं हम काम। आप किस वजह से, शॉप कौन सी है? ये अपना आलमगीर ऑटो। चले जी, थैंक यू सो मच भाई। जनाब तो आपने चेक किया, लोगों को बड़ी दिक्कत है। ये सारी दुकानें मकैनिक की है, लोगों ने अपनी गाड़ियां बाकायदे तौर पर कीचड़ में खड़ी की हुई है। और इस तरह जो है एक कराची वालों को तोहफा दिया गया है, कराची वालों को सुकून दिया गया है। ये है लियाकताबाद डाक खाना। और अब चेक करें कराची वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट है, और आप लोग ये वीडियो देखकर मुझे बहुत प्यार कर रहे होंगे, मुझे दिल से दुआएं दे रहे होंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कराची की अगली खूबसूरती, तो फिर आइए मेरे साथ। भाई जनाब तो ये रही कराची की अगली खूबसूरती, और क्या शानदार मनाजिर है, इतने जबरदस्त खड्डे हैं रोड पर कि आप चेक करें इस तरफ कीचड़ जमी हुई है, मोटी गाड़ी कीचड़ जमी हुई है, जिसको आप उठाकर अगर चेक करें तो भर के आएगी आपकी उंगली पे। और ये वाला खड्डा आप चेक करें, यहाँ से गाड़ी ही नहीं गुजर सकती, इस तरफ से आप अपनी गाड़ी नहीं गुजार सकते। मोटे बड़े पत्थर यहाँ पे रखे हुए जनाब, और उसके साथ साथ लोग 15-15 मिनट का सफर आधे घंटे में तय कर रहे हैं। 5 मिनट का सफर एक घंटे में, 10 मिनट का सफर 45 मिनट में, आधे घंटे का सफर 2 घंटे में। और जनाब ये है कराची वालों की खुशकिस्मती। और अगर मैं आपको इस तरफ लेके चलूँ, देखिए आप चेक करें मैं कहाँ से चल के जा रहा हूँ, तो जनाब ये चेक करें, जबरदस्त मोटा ताज़ा सेहतमंद ये जनाब ये तगड़ा खड्डा आप चेक करें। ये है लियाकताबाद का जबरदस्त खड्डा, कि अगर आपका टायर इस खड्डे के अंदर जाएगा तो आपकी पूरी गाड़ी जो जनाब डगमगा जाएगी। और उस तरफ के मैं आपको मनाजिर दिखाऊं, लियाकताबाद का जो पुल है उसके नीचे के मनाजिर, अगर आपकी जगह ये बन गई तो ट्रैफिक तेज जाएगा। अगर आपकी ये वाली जगह बन जाती है तो ट्रैफिक तेज जाएगा, लोग अंदर तुन गाड़ियाँ चलाएंगे, तेज़ गाड़ियाँ चलाएंगे, जिससे हादसा होने का खदशा होगा। तो वेल उम्मीद करता हूँ कि कराची वालों को ये खूबसूरतियाँ देखकर बड़ा मज़ा आया होगा, कराची वालों ने बड़ा इंजॉय किया होगा। चेक करें किस तरीके से गाड़ी ये खड्डे में जा रही है, लड़खड़ा रही है, बस रुक गई है। अच्छा गाड़ियाँ यहाँ से नहीं आ पा रही क्योंकि गाड़ियों को पता है कि यहाँ पर खड्डा है। ये अंकल ने अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं, आप चेक करें किस तरह ये अंकल अपनी गाड़ी को इधर से लेकर जाएंगे, अपने दिल पे हाथ रख के। ये अंकल से पूछो किस तरह अपने दिल पे हाथ रख के गाड़ी यहाँ से गुजारेंगे। इनकी पूरी गाड़ी हिल गई है, जगमगा गई है, डब हो गई है, अंकल की गाड़ी बंद हो गई है यहाँ पे।
इतना गहरा गड्ढा था कि अंकल की गाड़ी यहाँ पर बंद हो गई और अंकल दिली दिल में कोस रहे, अंकल दिली दिल में गालियां दे रहे हैं। और ये है कराची वालों के लिए शानदार तोहफा, ये कराची वालों के लिए शानदार पैकेज। वेल उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जबरदस्त ओरिजिनल खड्डे देखिए आपका दिल बड़ा बाग बाग हुआ होगा, बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे और आपके दिल से दुआएं निकल रही होंगी कि सारी खुशियां, सारी चीज़ें, सारी खूबसूरती सिंध हुकूमत की तरफ से है। अगर सिंध हुकूमत का इकदाम नहीं होता तो हम ये खूबसूरती नहीं देख पाते। वेल जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप लाजमी शेयर करें और दिखाएं कराची वालों को कि उनको कितने प्यारे प्यारे ज़बरदस्त किस्म के खड्डे मिले। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लोग जल्दी से बोल कर उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ जैस्मिन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।